मंडियाली संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में त्रिगर्त अकेडमी के द्वारा दिव्य ज्योति स्कूल परिसर में 12 जुलाई तक एक समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस समर कैंप में त्रिगर्त अकेडमी के संस्थापक राजन मंजू प्रतिभागी बच्चों को मंडियाली नाटक और संगीत की विद्या के बारे में प्रशिक्षित कर रहे हैं। मंडियाली संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में त्रिगर्त अकेडमी के द्वारा दिव्य ज्योति स्कूल परिसर में 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक एक समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इस समर कैंप में त्रिगर्त अकेडमी के संस्थापक राजन मंजू प्रतिभागी बच्चों को मंडियाली नाटक और संगीत की विधा के बारे में प्रशिक्षित कर रहे हैं। समर कैंप के बारे में जानकारी देते हुए राजन मंजू ने बताया कि हमारी आज की पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर अपनी मंडियाली संस्कृति को भूलती जा रही है, इसलिए उन्हें ये विचार आया कि क्यों न मंडियाली भाषा के संरक्षण और संस्कृति के संवर्धन पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया जाए। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंची मंडी जिला भाषा एवं संस्कृति अधिकारी रेवती सैनी ने कहा कि अपनी बोली अपनी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में मंडी जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में बच्चे अपनी मंडियाली भाषा और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, इसलिए इस कार्यशाला के माध्यम से बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं रेवती सैनी, जिला भाषा एवं संस्कृति अधिकारी मंडी। जैसे कि सभी जानते हैं कि अपनी बोली अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए भाषा विभाग का निर्माण किया गया, भाषा विभाग अस्तित्व में आया है। तो इसी क्रम में जैसे आजकल बच्चों को छुट्टियां हुई है स्कूलों में, तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे आजकल जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं और अपनी जो लुप्त हो रही अपनी जो संस्कृति है वो लुप्त हो रही है, इसी में हमारी जो मंडियाली बोली है वो भी कहीं नज़र नहीं आती। बच्चे आजकल अंग्रेजी और हिंदी बोले जा रहे हैं, तो इसलिए हमने ये अभिरुचि कक्षाएँ आयोजित की है जो सांस्कृतिक आयोजन समिति भी हमारा सहयोग कर रही है और हम इनके साथ प्रयास करते हैं कि जो आज की पीढ़ी है वो अपनी बोली को सुरक्षित रखे ताकि अपने बुजुर्गों की बातों को उनके संस्कारों को भी ग्रहण कर सकें और उनके साथ तालमेल बना रखें। तो बच्चों ने यहाँ पे मंडियाली के गीत भ्यागड़ा संस्कार गीत और दूसरे जो बुढ़ड़ा है बांटड़ा है उसकी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, अभी हमने सुना। पर जो बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर इनकी जो लय है वो हिंदी में या अंग्रेजी में आ रही है, तो हम उसी को ठीक करवाना चाहते हैं कि बच्चे जो है अपनी मंडियाली बोली को सीखें और आगे आने वाली पीढ़ी को भी सिखाएं ताकि हमारा जो संस्कृति है वो लुप्त होने से बच रहे, उसका संरक्षण और समर्थन हो सके। परिचय से करेंगे जी। मैं राजन मंजू, त्रिगर्त अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ से गांधी ज्योति स्कूल में समर कैंप की कोशिश की थी यहाँ पर लगाने की। कुछ एक बच्चे हमारे पास आए हैं, इसमें हमारा खास जो असर है जरा मेन एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहा से रहा भी मंडियाली जो फोकस किया से ज़्यादा मंडियाली बच्चे असर आजकल के बच्चे मंडियाली नहीं बोलते, सो हिंदी या अंग्रेजी अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट रखा है। पिछे जे राजमहला एक इनटेक वाले एनजीओ वाले तिथि एक बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम किया था, तिथि अस मतलब एक प्रेरणा मिली अस मैडम है रूपेश्वरी मैडम जी जिन्हें मंडियाली पर काफ़ी सर्च भी की थी। तो बस तिथि तो मेरे दिमाग च एक ख्याल आया कि उन्होंने मतलब एक समर कैंप अंदर एक मंडियाली वास्ते एक मतलब अपने कल्चर कट्ठे कोई छोटा मोटा एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, तो मैं 28 जून से लेके 12 जुलाई तक एक कैंप लगाए रहा थी और इतनी जो भ्यागड़ा असर लोकगीत और असर गुरु जी ने एक रचना है बरखारी छम छम बुढ़ड़ा हो गया बांटड़ा हो गया इन चीज़ों पर मैं इन्हें बच्चा सौ भी इतनी काम करेगा। तो मुझे उम्मीद ही मतलब मैं 100% नहीं होगा तो कम से कम 10-15% इन्हें बच्चा होगी मैं अपनी मेहनत थोड़ी सार्थक होना चाहूँगा, बस यही मेरा मतलब उद्देश्य था। बाकी मेरी अपनी अकेडमी तिथि भी बच्चे आए हैं कुछ बच्चे तिथि भी तिथि भी ऐसे एक मैं नशा मुक्ति पर एक फिल्म भी करा करा शॉर्ट फिल्म में मैं भी तरीका ऑडिशन भी रखी रहे मंडियाली अंदर और हिंदी अंदर दो डबिंग होनी थी मंडियाली अंदर भी शूटिंग होनी मतलब मंडियाली अंदर भी डायलॉग होने
और हिंदी अंदर बोले जी। तो ये असर एक छोटी कोशिश है जी, मैं सभी अपने जितने भी नौ ने असर यार दोस्त है शहरवासी है, मैं तिना कने भी एक गुजारिश करना चाह भी अपने बच्चों कने अपने फ्रेंड सर्कल कने तुसे कम से कम मंडियाली बोलो, अपनी मंडियाली भाषा जो प्रमोट करो, उत्ते तो काफ़ी मतलब उच्च स्तर पर जी। धन्यवाद जी।